हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट। वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो विविध देख रहे थे, पहले प्रथम महिला देखे, फिर प्रथम पुरुष देखे, अब उनके बाद भारत में जो प्रथम है उनके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं जो भारत में प्रथम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं विविध के ये स्टैटिक्स, जो भी विविध होते हैं एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारत में प्रथम अन्न। तो चलिए बात कर ले भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। वहीं बात कर ले भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है? जो पानी के अंदर रहता है और सेना इनके यूज करते हैं। तो ये है INS चक्र। INS चक्र क्या है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। आगे है प्रथम पनडुब्बी की बात करें, प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी। लेकिन परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो INS चक्र। चक्र क्या है? तो चक्र है प्रथम परमाणु पनडुब्बी चक्र। प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो ये विलियम जोन्स है जो अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे है प्रथम विमान वाहक पोत की बात कर रहे हैं तो INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत क्या है? प्रथम विमान वाहक पोत है, ये याद रखिएगा विक्रांत। आगे प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल, प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। क्या है? अग्नि, ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। प्रथम मिसाइल की बात कर लें तो पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? प्रथम मिसाइल है। प्रथम मिसाइल पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र, प्रथम आणविक केंद्र की बात करें तो ये तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तारापुर है, ये क्या है? प्रथम आणविक केंद्र है। प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र का बात कर लें तो यह है बंगाल गजट, जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। यह क्या है? प्रथम समाचार पत्र है। प्रथम विश्वविद्यालय की बात कर लें तो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको किसने बनाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। प्रथम दूरदर्शन केंद्र, प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली है प्रथम दूरदर्शन केंद्र, स्थापित हुआ था 1959 में। पूछा गया क्वेश्चन है प्रथम दूरदर्शन केंद्र। प्रथम मुख्य फिल्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम मुख्य फिल्म की बात कर लें तो कौन है प्रथम मुख्य फिल्म? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता कौन था? दादा साहब फाल्के 1913 ईस्वी में। डेट याद कर लीजिएगा इसका, ईस्वी 1913 में क्या हुआ था? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता था किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले मिला था राजा हरिश्चंद्र को। आगे है प्रथम बोलती फिल्म की बात कर लें तो आलमबाड़ा, याद कर लीजिए इसे, इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्रथम बोलती फिल्म आलमबाड़ा है। इसका निर्देशक की बात कर लें तो आदेशीर ईरानी। 1931 में ये फिल्म बना था आलमबाड़ा। ये क्या है? प्रथम बोलती फिल्म। मुख्य फिल्म का होता है कि पर्दे के पीछे से कोई और उनको आवाज़ देता है, तो वो राजा हरिश्चंद्र थे जिनमें आवाज़ कुछ कोई और दिए थे। और बोलती फिल्म मतलब जैसे कि अभी चल रहा है कि खुद बोलना होता है, तो ये होती है बोलती फिल्म। तो ये आलमबाड़ा थी, इसका निर्देशक आरदर्शी ईरानी थे, 1931 में ये बना था। प्रथम टेक्निकलर यानी कि मल्टी कलर जो होते हैं फिल्म कौन सा था? तो ये झांसी की रानी मूवी थी, 1950 में ये बनी थी। क्या? प्रथम टेक्निकलर फिल्म। आगे है देश में दूसरी बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था?
तो ये पूछा जा रहा है देश में दूसरी पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम, यानी रंगीन जो कार्यक्रम, पहले इससे पहले ब्लैक एंड वाइट दिखाया जाता था पिक्चर, इसके बाद क्या हुआ 1982 यानी 15 अगस्त 1982 के बाद ये जो है रंगीन, यानी जो भी चीज़ें हुई तो वो रंगीन दिखने लगी थी। आगे है प्रथम 3D माई डियर कुट्टी चैटर 1984, ऐसे इस भी याद कर लीजिएगा। और ये ग्रुप डी में काफ़ी बार ये पूछा गया था कि प्रथम 3D मूवी कौन है भारत की, तो ये है माई डियर कुट्टी चाटन। कुट्टी चाटन क्या है, प्रथम 3D मूवी है 1984 में। आगे है प्रथम प्रायोजित सीरियल, प्रथम प्रायोजित सीरियल की बात कर लें तो ये दूरदर्शन पे आता था हम लोग, की बात कर लें तो 1984 में ही ये भी प्रसारण हुआ था, प्रथम प्रायोजित सीरियल की बात कर लें। प्रथम एशियाई खेल की बात कर लें आयोजन, तो 1951 में दिल्ली में खेला गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एशियाई खेल जो है प्रथम भारत में पहली बार एशियाई खेल कब खेला गया, तो 1951 में दिल्ली में खेला गया था। बात कर ले प्रथम खुला ओपन विश्वविद्यालय का, तो ये कौन सा है, ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना। प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात कर ले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना का है। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इडुक्की। इडुक्की कहाँ पड़ता है, तो केरल में। क्या हुआ था, ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना की गई थी। आइए अब देख लेते हैं विश्व में प्रथम, जिस तरह भारत में प्रथम है उस तरह विश्व में भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को हम लोग देखेंगे। क्या है विश्व में प्रथम की बात कर लें, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश की बात कर लें तो नॉर्वे। प्रथम देश की बात कर लें कौन सा है, तो ये नॉर्वे है। क्या किया था, वनों की कटाई पर रोक लगाया था। आगे हैं धातु के खनन प्रतिबंध पर लगाने वाला प्रथम देश है, तो एल सेल्वाडोर। क्या है, धातु खनन, धातु के खनन पर रोक एल सेल्वाडोर देश ने लगाया था। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश की बात कर लें तो आयरलैंड। क्या है, जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला देश आयरलैंड है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश, इम्पोर्टेंट है पुस्तक मुद्रित या अखबारी कागज़ की बात कर ले प्रथम देश तो चीन है, इस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भी चीन है। क्या है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश की बात कर ले चीन, अखबारी कागज़ की बात कर ले चीन, पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश चीन। क्या है, सिविल सेवा जो होते हैं ये प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन है, चीन है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश की बात कर लें तो प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा जो हुए थे वियना, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इन सब देशों के पास है प्रसा। ये क्या है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है, ये भी याद रखिएगा। संविधान लिखने वाला प्रथम देश की बात कर लें तो लिखित संविधान सबसे पहले किनका है, तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA का, ये क्या है जो है लिखा हुआ संविधान सबसे पहला है। और भारत के संविधान की बात कर ले तो सबसे बड़ा संविधान है, क्या है भारत का, क्या है सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल की बात करें बेलग्रेड सर्बिया में। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, काफ़ी बार ये पूछा गया था, विश्व के समुद्री यात्रा करने वाला यानी कि चारों ओर समुद्री यात्रा, तो मैगलन, मैगलन याद कर लिया, फर्डिनेंड मैगलन। क्या किया था, विश्व के चारों ओर चक्कर लगाया था समुद्री यात्रा करके। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये रूस है। रूस क्या है, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला, प्रथम देश। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश की बात कर लें तो एथेंस यूनान से हुआ था, 1930 में ओलंपिक खेला गया था। प्रथम ओलंपिक की बात कर लें तो आयोजन कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। प्रथम नगर की बात कर लें जहाँ परमाणु बम गिराया गया, तो हिरोशिमा। कब गिराया था, तो 6 अगस्त को। कहाँ गिराया था, प्रथम
6 अगस्त को गिराया गया था जापान में, फिर 9 अगस्त को भी जापान में ही दूसरी बार परमाणु सीमा गिराया गया, मतलब परमाणु बम गिरा गया था। दूसरा हिरोशिमा और नागा सीमा पर, दोनों जापान में ही है, और किसके द्वारा, तो USA के द्वारा गिराया गया था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कर ले तो भारत, पशुओं का देश कौन सा सर्वाधिक पशु की बात कर ले तो भारत में है, और सर्वाधिक दूध उत्पादक में भी अभी भारत है, ठीक। और पहले अभी करेंट हाल ही में चेंज हो गया है, 2023 में दूध उत्पाद राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन हो गए, तो महाराष्ट्र ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गए, और यूपी जो है जो पहले थी तो वो सेकेंड नंबर पर चली गई है, ये भी याद रखिएगा। आगे है बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश की बात कर लें तो स्वीडन स्वीडन की बात कर ले, ये क्या था, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, ये तक्षशिला विद्यालय है, ये कहाँ, बिहार में ही पड़ता है, भारत में है, बिहार में। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भी याद रखिएगा। वह देश जहाँ पर व्यक्ति के ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया, तो इच्छा मृत्यु का सबसे पहले अधिकार कौन दिया था, नीदरलैंड। भारत में सर्वाधिक लंबा एवं बड़ा ऊंचा, तो ये काफ़ी उन पे मतलब इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्या सबसे लंबा ऊंचा और जो हाइट है, लॉन्ग है या बिग है, इन सब चीज़ों की बात कर लें, तो आइए देखते हैं एक नज़र में इसे भी कर ले। सबसे बड़ा सड़क पुल, सड़क पुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चेंज हो गया हाल ही में, तो भूपेन हजारिका पुल है, न्यू नेम। इसके पुराना नाम की बात कर लें तो इसे को ढोला सादिया पुल भी कहा जाता था, ये कहाँ है, असम से अरुणाचल प्रदेश में को जोड़ती है। इसको भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल, जो 9.15 किलोमीटर है, ये क्या है, सबसे लंबा सड़क पुल है। आगे है सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन, तो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन की बात कर ले, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 80 भी कहा जाता है, ये क्या है, सबसे तेज़ चलने वाली, पहले गतिमान एक्सप्रेस था, ये भी याद रखिएगा। और ये बात कर लें सबसे पहले तो वाराणसी से दिल्ली तक ये फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की बात कर लें, क्षेत्रफल यानी कि जहाँ धरती यानी जमीन सबसे ज़्यादा है, तो वो है कौन, राजस्थान। और जो वहीं जनसंख्या की बात कर लें तो यूपी सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा ज़िला की बात कर लें क्षेत्रफल में, तो कच्छ है गुजरात का, सॉरी ये याद रखिएगा, गुजरात का कौन सा है, कच्छ ज़िला है सबसे बड़ा ज़िला। सबसे बड़ा पशु मेला की बात कर लें तो सोनपुर बिहार में लगता है, ये भी याद रखिएगा। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो बिहार में लगता है, ये क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कहाँ है, सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है। सबसे मीठे पानी की झील, तो बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ये क्या है, सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत की बात कर लें, थार राजस्थान में है, और वर्ल्ड की बात कर लें तो सहारा अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ये भी याद रखिए। सबसे ऊंचा बांध कर लें तो टिहरी बांध, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, क्या है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें भारत की, तो भारत में जो है गॉडविन ऑस्टिन है K2, ये कहाँ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हैं सबसे लंबी सड़क सुरंग, अभी हम लोग बात किए थे क्या, ये है सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात कर लें, तो चन्नौ नासरी सुरंग, जो पाटनी टाल सुरंग है, 9.2 किलोमीटर का है, ये है सड़क सुरंग। और सड़क पुल की बात कर लें तो भूपेन हजारिका पुल 9.something का किलोमीटर था, ये भी याद रखिएगा। सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सुरंग तो है लेकिन रेलवे का है, तो ये पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में 11.22 किलोमीटर की है, ये क्या है, सड़क सुरंग की बात कर लें, चन्नौ नासरी सुरंग है, जो पाटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ, 9.2 किलोमीटर की ये है चन्नौ नासरी सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जम्मू कश्मीर में ये स्थापित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात कर लें तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है।
ठीक, ये क्या है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। अर्थ का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है और ये गंगा नदी का मुहाने पर ही स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात कर लें तो ये सबसे कहाँ होता है सर्वाधिक वर्षा, तो मासिंगराम मेघालय का स्थान है। पहले यह चेरापूंजी में होता था मेघालय में ही, लेकिन यह मासिंगराम अब मेघालय में होता है सर्वाधिक वर्षा। सबसे बड़ा गुफा बात कर ले, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। ये कैलाश मंदिर का गुफा है कहाँ है, तो एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुम्बद बात कर ले, गोल गुम्बद बीजापुर, बीजापुर हाँ हम्पी साम्राज्य का ये राजधानी मतलब था विजयनगर साम्राज्य में का, वही है गोल गुम्बद बीजापुर। सबसे ऊंचा दरवाज़ा की बात कर लें तो बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। भारत में सबसे लंबी नदी की बात कर लें तो गंगा नदी है, 1500 कुछ किलोमीटर ये बहती है, याद रखिएगा समथिंग 1500 है सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी सड़क की बात कर लें ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड भी कहते हैं, अब ये चेंज हो गई है, NH 44 हो गया है सबसे लंबी सड़क, ये भी याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, कुचिकल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लें तो कुचिकल जलप्रपात ये कहाँ है, कुचिकल जो है बाड़ही नदी यानी कर्नाटक में है, कुचिकल जलप्रपात ये क्या है सबसे ऊंचा। सबसे बड़ा लिवरपूल की बात कर लें तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता, लिवरपूल सबसे बड़ा कौन है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता का, कोलकाता में यही हावड़ा ब्रिज के साइड में ही अभी अंडरग्राउंड मेट्रो वाटर शुरुआत होने की मतलब बन रही है, काम प्रोग्रेस पे है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई का है, ये क्या है प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई का महाराष्ट्र में। डेल्टा न बनाने वाली बात कर लें तो नर्मदा, नर्मदा किधर से बहती हैं, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती, और ये क्या होती है अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये याद रखिएगा। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें तो NH 44 है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, पहले NH 7 था तो ये भी चेंज हो गया, ये याद रखिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये है NH 44, सबसे सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा। आगे है सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट की बात कर लें तो मरीन बीच, ये कहाँ है चेन्नई में, चेन्नई में मरीन बीच है सबसे लंबा समुद्र तट। अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, जो बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचा हवाई पतन की बात कर ले लेह लद्दाख, कोसी को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप इसे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, सबसे नदा नदी द्वीप की बात कर ले माजुली, जो किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी असम में यह स्थित है, क्या है ये नदी द्वीप है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में है, जो महानदी पर बनती है, किस पे है, हीराकुंड बांध है महानदी पर ओडिशा में, ये क्या है सबसे लंबा बांध है। आगे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, क्या है इसके तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये कौन सा राज्य है गुजरात का। सबसे कृत्रिम झील यानी कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कर ले गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो UP में है, ये क्या है कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ी है। आगे है खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में है, वहीं बुलंद झील राजस्थान में मीठे पानी के हैं और उड़ीसा में क्या है खारे पानी के झील चिल्का झील। चिल्का झील एक क्या है एक लैगून झील भी है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लें तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, बैरन द्वीप कहाँ है तो अंडमान निकोबार में, ये क्या है एकमात्र सक्रिय द्वीप है। बात कर ले सक्रिय द्वीप सॉरी ज्वालामुखी है सक्रिय बैरन द्वीप में स्थित है और एक और है नारकोंडम और बैरम, दो ज्वालामुखी भारत के हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे ऊंची मूर्ति की बात कर लें स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ है गुजरात में केवड़िया में है नर्मदा नदी के तट पर।
स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है, सबसे ऊंची मंदिर है, सॉरी ऊंची क्या है उससे स्तूप या मूर्ति है। सर्वोच्च सम्मान भारत की बात कर लें तो परम वीर चक्र, भारत का शौर्य सम्मान जो होता है सर्वोच्च परम वीर चक्र है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर जो क्या है सबसे लंबी नहर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल की बात कर लें यह क्या है तो सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात कर लें तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात कर लें सेंट कैथेंट गोवा का है। क्या है ये सबसे बड़ा गिरजाघर, गिरजाघर। गुरुद्वारा की बात कर लें स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है पंजाब में। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर का है, तो ये अब चेंज हो गया, अब हुबली का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी याद रखिएगा 1.8 किलोमीटर का वहाँ हो गया है। सबसे विशाल स्टेडियम, विशाल स्टेडियम की बात कर लें तो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण साल्ट लेक कोलकाता में है, ये सबसे विशाल स्टेडियम है। आगे देखते हैं अब विश्व में, भारत में हम लोग देख लिए कि सबसे लंबा ऊंचा और चौड़ा, अब बात कर लेते हैं विश्व में, विश्व में देखते हैं सबसे छोटा लंबा ऊंचा और लंबा छोटा बड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या है सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लें वर्ल्ड में तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ मतलब कहाँ है तो सबसे मैप पे देखिएगा तो सबसे ऊपर में है और अमेरिका और यूरोप के बीच में वो पड़ता है। तो ग्रीनलैंड क्या है एक सबसे बड़ा आइसलैंड है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लें तो एशिया जिसमें भारत चीन जो है एशिया महादेश महाद्वीप या महादेश में है। सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ये भी याद रखिएगा। टोटल कितने 7 महाद्वीप हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश की बात कर ले तो कनाडा, कनाडा क्या है सबसे लंबी सीमा है। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश जिब्राल्ट, सबसे छोटी सीमा साझा करता है जिब्राल्ट। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर की बात कर लें तो ये भी प्रशांत महासागर में ही वो क्षेत्र है। सबसे जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर लें तो चीन में है, जो अब भारत क्या कर देगा इसे पछाड़ देगा कुछ ही दिनों में, ये भी याद रखिएगा। आगे सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम की बात कर लें नागोया जापान में, क्या है प्लेनेटोरियम है सबसे बड़ा। आगे सबसे बड़ा राजप्रसाद की बात कर लें, यह क्या है राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस जो चीन में है। सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत की बात कर लें पेंटागन यूएसए का है, क्या है कार्यकारी कार्यालयी इमारत है, क्या है सबसे बड़ी है। आगे देखते हैं सबसे लंबा ब्रिज की बात कर लें तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का क्या है वृक्ष है जो सिकोया का वृक्ष रेडवुड से सबसे लंबा यह वृक्ष है, पूछ लिया जाता है सिकोया का वृक्ष विश्व में सबसे लंबा वृक्ष है ये कहाँ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। बुद्धिमान पशु यानी कि सर्वाधिक विश्व में बुद्धिमान तो चिंपांजी है। सबसे बड़ी पक्षी की बात कर लें अष्टी शतुर्मुख क्या है विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है। सबसे ऊंचा पशु की बात कर लें तो जिराफ, जिराफ क्या है विश्व का सबसे ऊंची यानी ऊंचा पशु है। सबसे विशालकाय पशु की बात कर लें अस्तानी में तो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल क्या है अस्तानी में सबसे विशाल पशु है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है महाभारत। सबसे लंबी नदी की बात कर लें तो नील नदी है जो कहाँ मिस्र में इसका उद्गम होती है। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, बहाव मतलब चौड़ाई सबसे ज़्यादा चौड़ा पूछे तो अमेजन नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में है ये नदी। सबसे छोटी नदी की बात कर लें तो रो नदी यूएसए का है, रो नदी है सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ा पार्क की बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क क्या है सबसे बड़ा पार्क है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डियागो चिड़ियाघर, प्रजातियों की संख्या ये क्या है प्रजातियों की संख्या के लिए मतलब फेमस है ये कहाँ है सैन डियागो चिड़ियाघर। सबसे विशाल खाड़ी की बात कर लें हडसन की खाड़ी, पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन